अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं परवल का भरवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम परवल ले लिए हैं, अब इसके किनारे काट देंगे दोनों किनारे किनारे, और इसका छिलका भी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो इसी तरह हम सारे परवल का छिलका निकाल लेंगे। अब इसको हम धुल लेंगे। तो परवल को हम अच्छी तरह से धुल लिए। और परवल को मैं बीज से काट लूंगी और इसका बीज हम निकाल लेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो परवल को हम इसी तरह काटेंगे और अंदर का भाग निकाल लेंगे बीज को। तो सारे परवल को हम काट दिए हैं बीज से और बीज भी निकाल दिए हैं साथ में। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं मेथी, सौंफ, और जीरा, तो हम गैस का आंच स्लो रख के इसको भून लेंगे। और जब मसाले में अच्छी तरह से खुशबू आने लगेगा तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो मसाले में अच्छी तरह से खुशबू आने लगा है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको मिक्सी जार में हम पीस लेंगे और साथ में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और बीज को भी हम पीस लेंगे, जो परवल का बीज निकाले थे। तो इसको एक प्लेट में रख देंगे। और यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर मिला रही हूँ और आधा स्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो परवल में हम डाल देंगे मसाले को। तो ऐसे इसमें भी हम डालेंगे, इस परवल में भी मसाले। तो सारे बचे हुए परवल को मसाले में डाल दी। और गैस ऑन कर दी। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे सरसों का और परवल को भी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं गैस का आंच बिल्कुल स्लो रखूंगी। तो इसको प्लेट से ढक दूंगी और हर एक दो तीन मिनट में इसको हम देखते रहेंगे और साथ में चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले ना। तो इसको पलट लूंगी परवल को।
फिर से इसको मैं ढक दूंगी प्लेट से और 2-3 मिनट के बाद फिर से मैं चेक कर लूंगी। तो परवल का कलर चेंज होने लगा है। तो ये पकने वाला है अब। और पक गया है तो गैस को मैं ऑफ कर दूंगी और परवल को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो परवल का भरवा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप इसको पराठा या तो फिर रोटी के साथ खा सकते हैं या तो फिर दाल चावल के साथ, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। तो आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।